हैप्पी सावत। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि हम लोग और एक सावत दिन देख सकते हैं। उन्होंने हम सब उनकी रक्षा रखवाली की और आज इस दिन को देखने दिया। हम लोग यहाँ पर आके स्तुति आराधना कर सकते उनकी उनके साथ हम लोग बैठकर यहाँ पर संगति कर सकते हैं। फ्यूचर टॉक के लिए मैं बाइबल से ही एक छोटा सा कहानी लेकर आई हूँ। हम लोग सब जानते हो कहानी को। आप हमारे साथ खोलिए दूसरा राजा। हम कहानी बताने से पहले हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 5:26-27 हम पढ़ेंगे। इसमें कहानी पूरा दिया गया है, नमान और कोड़ी का शुद्ध किया जाना। तो मैं आखिरी दो पद को पढ़ना चाहती हूँ, 26-27। यहाँ कहता है, उसने कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या या समय, चांदी या बस्तर या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नमान का कोड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। मैं इसी में से छोटा सा एलिशा का जो नौकर था, कोई बता सकते क्या नाम था उनका? गेहजी। गेहजी जो एलिशा का नौकर था वो हमेशा एलिशा के साथ रहता था और अपने आँखों से देखता था कि अपना मालिक जो एलिशा था वो हमेशा बहुत सारा चमत्कारी का काम किया। उसने देखा कि परमेश्वर सच्चा जीते परमेश्वर कितना अद्भुत है। तो यहाँ पर जब नमान आया, उसकी जो नौकर थी जिसको लेकर आए थे उनके घर में काम करने, उसने अपने मालकिन को बोला और मालकिन ने अपने पति को बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो ये नमान जो था बहुत बड़ा आदमी था, बहुत धनी था, उसके पास बहुत कुछ था, सोना चांदी ये सब। और जब सुना तो विश्वास तो नहीं किया था होगा, लेकिन फिर भी उसने अपना रथ लिया और अपने नौकरों के साथ चला आया एलिशा के पास। लेकिन कहा जाता है कि एलिशा अपना घर से निकला नहीं, अपना नौकर को आज्ञा दिया कि जाओ उनको बोलो वो यर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मारे। और बड़ा ऑफिसर था, एलिशा नहीं आया उसके लिए वो थोड़ा नाराज भी हुआ और वापस जाने का भी ठान लिया था। लेकिन उसके नौकरों ने उनको समझाया, देखिए आप तो बड़ा अवसर है लेकिन यहाँ पर आके आपको चंगा होने के लिए आप आए हैं। अगर आप करके देखिए, अगर आप ठीक हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। तब जब वो गए और देख रहे हैं कि पानी इतना गंदा है, उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन उनका बात सुनना है एलिशा का और उनको विश्वास करना है कि मैं साफ हो जाऊंगा कि नहीं, मेरा कोढ़ रोग जाएगा कि नहीं। लेकिन आखिर में हम देखें कि जब 7वां बार वो करके निकलते हैं तो उनका शरीर एकदम छोटा बच्चा जैसा, उनका शरीर एकदम साफ सुथरा हो गया और वो बहुत खुश हो गए। और जब आए तो जाने से पहले वो एलिशा को बहुत सारा सोना चांदी देने चाहे, लेकिन उन्होंने बोला मैंने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने आपको चंगा किया है। लेकिन क्या हुआ, गेहजी जो था उसके मन में लालच आ गई। इसलिए उसमें कहा जाता है कि गेहजी एक लोभी मनुष्य था, उसको लालच आ गया और वो जब जाने लगे तो पीछे पीछे जाने लगा और अपने खुद के लिए नहीं मांगा, वो रोका। और उसने जो नमान जो था पीछे देखा, रे कौन दौड़ रहा है मेरे पीछे, और वो रोका और उतर करके उसको पूछा कि क्या बात है, सब कुछ ठीक है? तो उसने बोलता सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे साहब ने एलिशा ने ऐसा ऐसा 2 जोड़े कपड़े और ये सोना चांदी उन्होंने बोला है।
और उन्होंने उतर के निकाल के उनको दे दिया। और गहजी ने क्या किया, पहले से जाके अपना घर में रख के आया और गया अपना मालिक के पास, और उनको सब कुछ मालूम हो गया कि वो कहाँ गया था और क्यों गया था। उसने उसको सवाल किया और इसलिए उनको ईश्वर की तरफ से क्या बोला कि आपने मेरे ओर से झूठ बोला है और परमेश्वर से झूठ बोला है, मेरे साथ रहते हुए भी आपने झूठ बोला और इतना दिन रह के सच्चे परमेश्वर के बारे में जानते हुए भी आपने सच नहीं बोला, मैं तो नहीं लिया लेकिन आपके मन में लोभ आ गया और लोभ आने से आपने ये सब जाके उनके पीछे पीछे जाके आपने लिया। और क्या हो गया कि एलिशा ने उनको दंड दिया और वो नमान का जो कोड़ी था उनके नौकर के ऊपर में और उनके सारे वंश सब में कोढ़ रोग आ गए और जिंदगी भर वो वहीं रह गए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं हम भी पापी हैं, इस देश में रहते हैं हम, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर यीशु मसीह का आने का बहुत नज़दीक है और हम लोग भी सांसारिक काज में फंसे रहते हैं, हम लोग के पास टाइम नहीं है परमेश्वर को टाइम देने। तो आइए हम इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के नज़दीक आए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, उनके वचन को पढ़ें और उनके नज़दीक रहें और उनके वचन में क्या लिखा है उसको हम जानें। यीशु मसीह हमेशा अपने सच्चा जीता जो वचन लिखा है उनसे ही, जब भी उनका पास क्या बोलते हैं टेम्पटेशन आया तो हमारे जीवन में भी ऐसा आएगा, तो हम उसके लिए अपने पवित्र वचन को पढ़ के अपने मन हृदय में रखते हुए तैयार रहे ताकि जो भी सामने ऐसा आए तो हम गलती ना करें, लोभी ना बने गहजी की जैसा। तो परमेश्वर इस छोटे से वचन में आशीष।